हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन एसबीए क्लब मेंस का 2016 में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 120 मीटर बाय 70 मीटर। इट हैज ए ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹2 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि आंसर वन में देखेंगे, क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा एक प्लॉट है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे का रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते की चौड़ाई जो है 2.5 मीटर। ठीक है, अगर हम होल एरिया माइनस इसका एरिया कर देंगे तो हमको इसका एरिया निकल जाएगा, और हमको इसका एरिया निकल कर सिंपली मल्टीप्लाई में ₹2 कर देना है जिससे इसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ग्रेवल क्या हो जाएगा, यह 70, सॉरी ये है कितना 112, यह 78 और यहां 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 112 मल्टीप्लाई बाय 78, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। माइनस आपको 112 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माइनस 112 माइनस कितना करना होगा, ध्यान दीजिएगा ये कितना है 78 है। ठीक है, ये कितना होगा, यहां पे जोड़ेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा और यहां जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, दो बार 2.5 आएगा। ठीक है, तो 2 × 2.5 × 78 −2 × 2.5। ठीक है, या आप सीधा इसको अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 112 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी 112 × 78 −112 इन ये कितना हो जाएगा, 112 −2 × 2.5, 5 हो गया 112 −5 इज 107 मल्टीप्लाई 78 −5 इज 73। सिंपली सॉल्व करिए। अब आपको टेबल नहीं आता होगा 112 का 78 का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको तुमने 100 प्लस 12 कर दे। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो 112 रखो मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 8 कर दो, ये और आसान हो गया, ये और आसान हो गया। माइनस 107 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 3 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करना है। 0 74 72 जो 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7 प्लस 1 इज 8, नाउ 7 प्लस 8 टू जो 16 9 8 100 माइनस 107 को आपको 70 से मल्टीप्लाई करना है। 0 49 7 प्लस 21 3, राइट, ऐड कर दीजिए 6 9 प्लस 4 + 9 इज 13, 1 कैरी इन हैंड, 8 + 1 9, 9 + 8 इज 17, 1 कैरी इन हैंड 8, यहां पे क्या जाएगा 1 1 8 7 8 1 1, सॉल्व कर लीजिए 5 6 माइनस 1 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2 और 7। ठीक है, 7 को 8 से कैसे नहीं जाएगा, कैरी जाएगा, 70 माइनस 8 इज 9, तो ये आपका एरिया हो गया, यानी हैंस कॉस्ट क्या हो गया 925 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18, 1850 आपका आंसर आया रुपीस। तो ये ऑप्शन है ऑलरेडी डी, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, लेंथ ऑफ बीसी बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ये आप फिगर देख के ही बना सकते हैं।
ठीक है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, ये डी है, ए बी सी, ये क्वेश्चन मार्क है 24, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम इसको बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब हम अगर बीसी निकालना है तो हमको बीसी दिया हुआ है, और अगर हमको डीबी निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। और वो कैसे निकलेगा? अगर हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी ए डी बी में हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला डालिए, हेंस एरिया वाला हाफ 8 हो गया और 6 हो गया, यही लेंथ और ब्रेथ है आपका, 4 हो गया, 6 फोर जा 24 हो गया, ठीक है। बट हमें को यहां पे क्या करना है, एरिया नहीं निकालना है, एरिया निकाल के हमारा कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो राधर देन एरिया हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज क्या होता है, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसको हम पी बोलते हैं, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होगा। अब हमको उसी की हेल्प से बनाना पड़ेगा, एरिया के फॉर्मूला से नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पी क्या हो जाएगा, सॉरी पी निकालना है हमें, तो पी इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर क्या है, एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, That is 64 plus 36, which is equal to 100, ये 10, यानी ये आ गया आपका 10, clear हो गया? ये पता, ये भी right angle है, ये भी right angle है, इसका BC निकालना है। अब क्या करेंगे, triangle CDB, ठीक है? वापस हम ये वाला formula लेंगे, B square plus H square का, बी स्क्वायर यहां 24 हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप सभी को बोला था कि फॉर्मूला याद करके रखिएगा, बहुत हेल्प हो जाता है आपको, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, बट हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा सही है या नहीं, ठीक है। 24 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 576 होगा, ठीक है, 576 प्लस 100 कितना हो गया, इज इक्वल टू 676, 676 किसका स्क्वायर होगा, अब इसको निकालो, 26 का स्क्वायर रूट होता है, 26 इसका आंसर है। आप चाहो तो यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल के 4 2 7 6 6, That is 26, 6 करेंगे तो 36, 27, ठीक है, कट गया, 26 वैल्यू आ गया। देखिए आपको टेबल याद होना चाहिए, ये सब चीज करने के लिए, सब चीज तो बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम, क्योंकि वहां पे आपको समय की कमी है। 1 to 30 तक का टेबल बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल 1 to 30 तक का, ठीक है, याद करिएगा, झटपट बन गया। ये 626 लिखा, 26 का वैल्यू बारो से लिख दिया, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समय बच गया। एग्जाम में आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अब आंसर 3 मांगेंगे, क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सर्कमफेरेंस, दैट इज सर्कमफेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर, तो यहां पे ऑलरेडी 44 इज इक्वल टू 2 इनटू 22 बाय 7, आर आप निकाल लो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और आर इक्वल टू 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है, एरिया का ट्राइंगल, ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल का हमने लिखा है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस, बेस जो है आपका 7 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 7 और ये भी हो गया 7, राइट, बेस भी है
और ये भी, दोनों चीज 7 है। हम अभी राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ठीक है, एक बार के ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं और एक दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, यानी हाफ इंटू सेवन, क्लियर हुआ। और ऐसे कितने ट्राइंगल हैं? दो ट्राइंगल हैं, ये 1 2 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 49 एरिया आ गया। 49 देखिए ऑप्शन ए, क्लियर हो गया आंसर फॉर माई। फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रियन, एरिया ऑफ द सेंटर रियन मतलब बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं है, 28 ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये एरिया आपको बोल रहा है, ये कितना है 28, यानी ये कितना है 14, ये कितना है 14, क्लियर हो गया। हमको एरिया बोल रहा है तो पहले क्या करेंगे, ये क्या सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पता होगा आपको हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा रेडियस, 14 हो जाएगा क्योंकि 28 डायमीटर है ना, तो 14 स्क्वायर माइनस दूसरे साइड में क्या हो जाएगा हाफ इंटू टू, क्या हो जाएगा हाफ इंटू टू, क्यों ऐसे दो सर्कल है, दो सेमी सर्कल है इसलिए, क्लियर हो गया। बट इसका ये डायमीटर है 14, तो इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा रेडियस मल्टीप्लाई विद 7 स्क्वायर, क्लियर हो गया, और पाई भी रहेगा ऑफ कोर्स। तो इसमें कुछ चीज कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई विद पाई कॉमन है वो हम बाहर निकाल लिए, अब सॉल्व कर लेते हैं, यहां आ जाएगा आपको 196 माइनस ट्वाइस इंटू 49, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 22 बाई 7, 196, ये क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 49, दैट इज 98 हो जाता है, यानी 196 माइनस 98 करेंगे तो वापस 98 रिजल्ट आ जाएगा, क्या जाएगा 98 आ जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, 14 टाइम से चला जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ 7 154 आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है, 154 आपका एरिया आ गया। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना था, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, जो स्टूडेंट्स बैंक पीओ का तैयारी करना चाहते हैं, फॉर बैंक पीओ क्लर्क इंश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट, जो भी इंसान तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है एट द रेट ऑफ रुपीज 1500 से स्टार्टिंग प्राइस है इसका। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट करिए www.bybankpocourse.in पे, या फिर कॉल कर सकते हैं 4x9685127 पे, दूसरा नंबर है 7827546946 पे, या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं sethsinha123@gmail.com। धन्यवाद, थैंक यू।